टू माई चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ न्यू टॉपिक, ये है हेयर फॉल आफ्टर प्रेगनेंसी। मैं इस कारण से टॉपिक लेकर आई हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सिचुएशन से निकल चुकी हूँ और जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को डील किया है, विद इन अ मंथ मेरे बाल फिर से आने लग गए थे और मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक गया था। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि ये हुआ क्यों था और आपको उसको कैसे डील करना है, ताकि आप भी इस चीज़ को समझें और अपने आप डील करें और इस चीज़ की टेंशन ना लें। पहले स्टार्ट करते हैं हेयर फॉल के बारे में क्या होता है। जो हमारा नॉर्मल वे से हेयर फॉल होता है और जो प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है, बहुत हार्ड डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो नॉर्मल हेयर फॉल है वो इस कारण से होता है क्योंकि हमें कुछ स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा हम सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या किसी चीज़ की कमी हो गई, जैसे बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो गया या फिर किसी न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो इस कारण न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो इस कारण से होता है। बट जो प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है वो विद इन 3 to 6 months के बीच में होता है हमारी बेबी डिलीवर करने के बाद। मेरा 5th month में हुआ था। इतना हुआ था कि यहाँ से मेरा स्पेस दिखने लग गया था सिर्फ इस पार्ट से, और आप खुद देखेंगे कि मैंने इस तरीके से डील किया कि अब छोटे छोटे बाल मेरे हैं यहाँ पर, खुद हैं, मुझे खुद नहीं पता कहाँ है पर हैं यहाँ पर। तो सेकेंड पॉइंट ये इस कारण से होता है क्योंकि हम बेबी डिलीवर कर रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत चीज़ों की कमी आ जाती है, जैसे आयरन की कमी आ गई है, कैल्शियम की कमी आ गई है, इन चीज़ों के कारण। और थर्ड और मेन पॉइंट है इसका हार्मोन चेंजेस। आपको पता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा हार्मोन्स और चेंजेस होते हैं कि पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर या लगा लो सिचुएशन स्थिति है वो चेंज हो जाती है। जैसे हम ब्लड की आयरन की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, या कुछ भी लगा लो। तो ऐसा ही एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है वो उसका लेवल धीरे धीरे हर टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है जब तक हम प्रेग्नेंट होते हैं। आप खुद देखेंगे 8th month के अंदर, 8 to 9 month के अंदर आपके बाल इतने अच्छे हो जाते हैं, हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाता है। वो सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है, क्योंकि वो अपना लेवल इतना बढ़ा लेता है कि हम सीधा इम्पैक्ट उसका बालों पर पड़ता है और उसके कारण क्या होता है, हेयर फॉल नहीं होता। और जो हेयर फॉल रुका होता है बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, वो हेयर फॉल एकदम से होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो वापस अपने लेवल पे जा रहा होता है। जैसे जैसे वो लेवल पे जाता जाएगा, जो बाल हेयर टूटने से रुके होते हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, और एकदम से ग्रोथ नहीं होती है। तो सिंपली वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हेयर फॉल होगा ही होगा, मैक्सिमम लेडीज़ में होता ही होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल वापस जाएगा ही जाएगा, बट एकदम से ग्रोथ नहीं होती। तो इस सिचुएशन को पहले से ही आपको हैंडल करना है। वो कैसे हैंडल करना है वो मैं बताती हूँ। मैंने क्या किया था, जब मैं ब्रेस्ट फीड करवा रही थी अपने बेबी को, मैं अब भी करवा रही हूँ इवन, तो क्या हुआ था, 5th month में मेरा हेयर फॉल होना शुरू हुआ। इतना ज़्यादा हुआ कि मेरा स्पेस दिखना शुरू हो गया। तो मेरे को इस चीज़ को हैंडल करना था, वो कैसे मैंने स्टार्टिंग से हैंडल किया। ब्रेस्ट फीड करवा रही इवन डिलीवरी कर, मैंने डाइट अपनी अच्छी रखी, मैंने इतनी अच्छी डाइट रखी कि भी मैं फीड भी करवा रही हूँ, मेरी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट भी ना पड़े। सेकंड, अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में किसी भी सप्लीमेंट की कमी है, या फिर जिंक की कमी है, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन बी सी या फिर ई की, तो वो सप्लीमेंट अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अच्छे डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके उसको स्टार्ट करें, ठीक है। और थर्ड, जब तक आप ब्रेस्ट मिल्क करवा रहे हैं, कुछ भी आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉल हो सकता है, तो अपने बालों पर कोई केमिकल ना लगवाएं, जैसे रिबॉन्डिंग ना करवाएं, अच्छा हेयर ड्रायर ना यूज़ करें, स्ट्रेटनर ना यूज़ करें, कलरिंग ना करवाएं, कुछ टाइम के लिए वेट करें ताकि आपके बालों को बैड इफेक्ट ना पड़े। अच्छा, इसके साथ मैंने क्या किया, सबसे पहले जब मेरा हेयर फॉल हुआ, सबसे पहले मैंने एक काम और किया, मैंने हेयर कट लिया, ताकि इनकी केयर, जितने छोटे बाल होंगे उतनी अच्छे से केयर हो जाएगी, तो उतने अच्छे से केयर हो जाती है। मैंने इसी कारण से अपना हेयर कट सबसे पहले करवाया ताकि इनकी केयर अच्छे से हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया, शैम्पू चेंज किया, मैंने लो केमिकल वाला शैम्पू यूज़ किया। जैसे हमारे जो भी हम शैम्पू यूज़ करते हैं, जो भी हमारे बड़ों के आते हैं और बेबी से थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारे होते हैं उसमें हाई केमिकल्स यूज़ होते हैं और बेबी वाले मेकअप, तो मैंने बेबी शैम्पू यूज़ किया सबसे, ठीक है। इसके अलावा मैं ऑयलिंग करती थी हेयर वॉश से पहले, थोड़ा गर्म करके। इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हेयर फॉल तो आपका कम होगा ही होगा, बट जो आपकी ग्रोथ है बालों की, जो नए आने हैं वो एकदम से आना शुरू हो जाएंगे जब आपका एस्ट्रोजन लेवल
जा रहा होगा अपने लेवल पे, एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे अपने लेवल पे जा रहा होगा, तो आपका हेयर फॉल के साथ हेयर ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी आराम से, सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और आपको एकदम से वेट भी नहीं करना पड़ेगा और टेंशन भी नहीं होगी। और इसके अलावा मैंने क्या किया, जैसे ही मैं हेयर वॉश करके किया तो उसके बाद मैं किसी कॉम्ब को भी मैंने चेंज किया, मैंने खुली कंघी वाली, खुली जो दांत वाली कंघी होता है या कॉम्ब होता है उसको यूज़ किया। इसके साथ मैंने कंडीशनर यूज़ किया और अच्छी डाइट यूज़ की, हेयर फॉल यूज़ किया, और मैंने भले इतने छोटे करवा के ताकि मैं पोनी भी ना कर सकूँ, ताकि रबर बैंड का भी ना यूज़ हो। मैंने इन सिचुएशन को इस तरीके से समझा, उस तरीके से डील किया कि मेरा हेयर फॉल भी हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि हार्मोन अपने लेवल पे आएंगे तो हेयर फॉल होगा, बट साथ ही मेरे बाल आ जाएं इसके लिए भी मैंने साथ ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो आप भी प्लीज़ इस पॉइंट को समझें और टेंशन ना लें और इस तरीके से डील करना शुरू करें। डाइट अच्छी लें, सप्लीमेंट्स शुरू कर दें अगर आपको ज़रूरत लगती है तो, थोड़ी केयर करनी शुरू कर दें अच्छे से, क्योंकि हम बेबी के साथ साथ हमें खुद की इसकी भी केयर करना है। तो इस तरीके से डील किया कि मेरे को अलग से टाइम ना देना पड़े इस चीज़ को और मेरे बाल फिर से ठीक हो जाएं। आप खुद दे सकते हैं, मेरे बाल फिर से अपनी फॉर्म में हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ टिप्स मिले होंगे और कुछ टेंशन कम हुई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे लोगों के साथ ये शेयर करें। थैंक यू।